हाय एवरीवन, वेलकम टू नेसरक टेक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप 69 रुपीज पर मंथ में बेस्ट होस्टिंग SSL के साथ कैसे ले सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम ब्राउजर ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर जो है बिगरॉक के वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके इस साइट पर आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे डोमेन का भी आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप डोमेन भी बाय कर सकते हैं और होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन बाय करना है तो यहाँ पे डोमेन नेम डाल करके आप सर्च करेंगे और आप जो है .com डोमेन 849 में और .net999 में और .in डोमेन जो है 3999 में यहाँ से बाय कर सकते हैं। बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है होस्टिंग के बारे में, जो 69 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हम होस्टिंग कैसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम होस्टिंग वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख जाएगा लिनक्स होस्टिंग का। अगर आप वर्डप्रेस यूज करना चाह रहे हैं तो हम रिकमेंड ये करेंगे जो कि लिनक्स होस्टिंग ही आपको बाय करना चाहिए। अगर आपका वेबसाइट .net वगैरह पे है तो फिर आप विंडोज होस्टिंग के साथ जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम आपको लिनक्स होस्टिंग जो है ये रिकमेंड करेंगे, आपको यही बाय करना है। तो लिनक्स होस्टिंग पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और लिनक्स होस्टिंग का पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरह से। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको 30 डे मनी बाय गारंटी, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ से होस्टिंग लेते हैं और अगर आपको होस्टिंग किसी कारणवश अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हैं जो कि हमको रिफंड मिल जाए, तो आप 30 दिन के अंदर जो है रिफंड भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको प्लान दिखेगा सारा प्लान। यहाँ पे 4 प्लान यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप USA का सर्वर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे USA सेलेक्ट रखेंगे। अगर आप इंडिया का सर्वर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम USA सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे USA सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टर प्लान आप देखिए, यहाँ पे स्टार्टर प्लान में यहाँ पे शो कर रहा है 69 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इसको हम सारा यहाँ पे ऑफर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, अगर आप 1 ईयर के लिए लेते हैं तो 139 रुपीज़ आपको पर मंथ कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप 2 ईयर के लिए लेते हैं तो 119 आपको पर मंथ कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप 3 ईयर के लेते हैं तो 999 आपको कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप 5 ईयर के लिए लेते हैं तो 69 रुपीज़ पर मंथ आपको कॉस्ट पड़ेगा, जिसमें कि 65% का आपको ऑफ मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है 69 रुपीज़ में आप पर मंथ के हिसाब से यहाँ से 5 ईयर के लिए आप होस्टिंग लेंगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 69 रुपीज़ यहाँ पे हम सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है, 5 ईयर के लिए। और यहाँ पे इसमें देखिए, इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है। इसमें जो है एक डोमेन आप होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल डोमेन यहाँ पे मिलता है। और 20 GB का आपको SSD डिस्क स्पेस मिल जाता है। 20 GB तक का आप स्पेस जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 100 GB ट्रांसफ़र यहाँ पे है, यानी कि 100 GB तक का आपको बैंडविड्थ यहाँ पे मिल जाता है। और इसके साथ जो है 5 ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल अकाउंट जो होता है वो आप 5 ईमेल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। अनलिमिटेड डाटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स इंस्क्रिप्ट का SSL सर्टिफिकेट आपको साथ में ही मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट किए हैं या सीखना चालू किए हैं तो हम रिकमेंड ये करेंगे जो कि स्टार्टर प्लान जो है वो आप लें। जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ता है, आपको नीड होता है बैंडविड्थ का, ज़्यादा बैंडविड्थ का, तो फिर आप अलग प्लान पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप स्टार्टर प्लान ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये 2 ऑप्शन दिखेगा, इसको हमको अनचेक कर देना है, ये नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी डोमेन नेम आप लेना चाह रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो वो डोमेन नेम यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आप यहाँ पे डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे। या फिर आप नया डोमेन बाय करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जो भी .com.in जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करके डोमेन नेम डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो ये डोमेन आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं साथ में ही। बट अगर आप कहीं और से डोमेन ऑलरेडी बाय कर रखे हैं तो वो डोमेन नेम यहाँ पे डाल देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रोसेस को आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी के लिए इसको स्किप भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं, स्किप दिस स्टेप फॉर लेटर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ये कार्ट का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 5 ईयर के लिए यहाँ पे होस्टिंग प्लान जो है वो सेलेक्ट है। आप देखिए 5 ईयर के लिए जब आप लेंगे तो आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा, इसमें GST इंक्लूड है। या फिर अगर आप कम टाइम के लिए लेना चाह रहे हैं, 1 ईयर के लिए लेना चाह रहे हैं तो 1 ईयर भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 ईयर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये प्राइस जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 1944 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पे अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अगर आप जो है पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है आप चेकआउट वाले पेज पे जाएंगे, वहाँ पे जो भी पेमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आपको एक मेल रिसीव होगा, उस मेल में आपको सारा डिटेल्स होस्टिंग का जो भी डिटेल्स होता है जैसे कि नेम सर्वर, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने का, वो सारा आपको मेल में रिसीव हो जाएगा।
और जैसे आप अकाउंट लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे भी आपका होस्टिंग शो कर देगा। अभी हम होस्टिंग ऑलरेडी बाय कर रखे हैं तो हम आपको लॉग इन करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे बिग रॉक के होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम बिग रॉक पे क्लिक किए और यहाँ पे जो है लॉग इन का हमको बटन दिख रहा है, इस पर हम लॉग इन पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी हमारा यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे डाल करके लॉग इन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है डैशबोर्ड ये ओपन हो रहा है बिग रॉक का। देखिए यहाँ पे हमारे अकाउंट में ऑलरेडी यहाँ पे होस्टिंग है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा आपको दिख जाएगा। अगर आप सी पैनल में जाना चाहते हैं तो यहाँ से गो टू सी पैनल पे क्लिक करेंगे। अगर आप जो है डोमेन नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चेंज डोमेन पे क्लिक करेंगे। अभी हम सी पैनल में जाने के लिए यहाँ पे गो टू सी पैनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है सी पैनल में हमको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए इस तरह से सी पैनल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम आपको एक बार मेल भी ओपन करके दिखा देते हैं, जो मेल में आपको कौन कौन सा डिटेल्स मिलता है। यहाँ पे हम अपना दूसरा ब्राउजर ओपन कर रहे हैं जिसमें कि हमारा मेल लॉगिन है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा ईमेल यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो है डोमेन नेम शो कर रहा है और यहाँ पे नेम सर्वर मिल जाएगा आपको। अगर आप डोमेन कहीं और से बाय कर रखे हैं तो ये नेम सर्वर आपको वहाँ पे अपडेट करना होगा। यहाँ पे नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 दोनों कॉपी करेंगे और अपने डोमेन में जा करके जहाँ पे नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप चेंज कर देंगे। इसको चेंज होने में 24 आवर से 48 आवर तक का टाइम लग सकता है। ये नेम सर्वर कैसे चेंज करना है इस पर हम डिटेल्स में वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सी पैनल का जो है पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सेटिंग योर पासवर्ड करके शो कर रहा है। यहाँ पे जो है सेट योर ऑन पासवर्ड फ्रॉम द कंट्रोल पैनल, ठीक है। इस लिंक पे आप जाएंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कैसे पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। ये सब सी पैनल से होता है। तो आइए हम यहाँ पे सी पैनल में आ जाते हैं। देखिए ये हमारा जो है सी पैनल यहाँ पे लॉगिन है और इसमें जो है वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टाकुलस के हेल्प से। यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टाकुलस मिल जाएगा। अगर आप कोई फाइल यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं तो फाइल मैनेजर में जाकर के आप फाइल मैनेजर यहाँ पे है इस पर ओपन करेंगे और जो है इसके अंदर फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस का ऑप्शन यहाँ पे शो कर देगा पीएचपी में एडमिन। अगर आप डिटेल्स में जाना चाह रहे हैं कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वैसे हम आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे बिग रॉक नेटवर्क। देखिए जैसे आप बिग रॉक नेटवर्क सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू मेक ए वेबसाइट इन 10 मिनट विथ बिग रॉक, ठीक है। इसको जाकर के आप चेक कीजिए। इसमें हम सारा डिटेल्स में बता रखे हैं कि कैसे आपको जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और वेबसाइट बनाना है बिग रॉक का होस्टिंग लेकर के, सब कुछ आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा जो है बिग रॉक होस्टिंग का हम रिव्यू भी यहाँ पे कर चुके हैं, ये भी वीडियो है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें डिटेल्स में बताए हैं जो कि अनमीटर्ड और मीटर्ड में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप डिटेल्स में देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको कूपन भी मिल जाएगा बिग रॉक का, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप जो है काफ़ी टाइम से फ्री होस्टिंग यूज कर रहे हैं जैसे कि प्रो फ्री होस्ट हो गया, इन्फिनिटी फ्री हो गया, इस तरह के साइट से अगर आप होस्टिंग ले रखे हैं और वहाँ पे इशू आता है आपको डाटाबेस कनेक्शन एरर, जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो इस तरह का इशू आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जो ये इशू आपको न दिखे तो यहाँ पे 69 रुपीज पर मंथ में जो है आप काफ़ी कम प्राइस में बिग रॉक से होस्टिंग बाय कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आप 69 रुपीज पर मंथ में SSL के साथ होस्टिंग कैसे ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।